या इतिहासाच्या पुस्तकात आपण शिवचरित्रातील अनेक घटकांचा अभ्यास आता केलेला आहे, परंतु आज मी तुम्हाला एक वेगळी गोष्ट सांगणार आहे. आणि ती गोष्ट म्हणजे औरंगजेबच्या दरबारात घडलेला प्रसंग. विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रसंग जरी हिंदीत असला तरी छत्रपती शिवरायांचं कर्तृत्व किती मोठं होतं ते सांगणार आहे. प्रसंग औरंगजेबच्या दरबारातील आहे आणि दरबारात औरंगजेब येतो आणि ललकारी दिली जाते. आज ते कदम निगा रखे मेहरबान, शहनशाह दिल्ली, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हे. औरंगजेब दरबारात येतो, आपल्या सिंहासनावर बसतो आणि समोर असलेल्या आपल्या सरदारांना, आपल्या मुलांना उद्देशून म्हणतो, ये सब फिजूल है शहजादे, तैमूर और चंगेज के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी. आज कंधार से कनस्तक पूरे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देख रही माँ बदालत आज क्या देख रही है. हमारे आंखों के सामने हमारी सल्तनत की तोहीन कर चुका है सिवा, हमारे लाखों के फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर उखेड़ दिया है उसने. ये हमारे मामूजान अमीर उमराह शाहिस्त खान साहब, शिवा ने इसके लाल महल पे छापा डालकर इसके छक्के छुड़ा दिए. नसीब सिकंदर रहा उसका, जान बख्श गई. यह सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खान बेग, शिवा सूरत आए तो ये दुम दबा के भाग गया. यह बख्शी पोलाद खान, शिवा ने इसके हाथ पे मिठाई रखकर इसके चंचूर से फरार हो गया. यह है महाराजा जसवंत सिंह, मराठों के तक के मार इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पे खाए हैं. सारे के सारे मुगल तुर्क सबको शिकस्त दिए है उस सिवा ने. हमारे जैसे हाथी घोड़ा तोहफा कुछ भी तो नहीं है उसके पास, फिर भी फतेह हासिल है उसे. क्यों क्यों, इस क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, कभी नहीं समझ पाओगे. उस सिवा ने किले बनाए, उस सिवा ने जंग तामील हासिल की है, और उससे भी ज्यादा मजबूत इरादों के लोग तैयार किए हैं. हमने सिवा के लोगों को जागीरदारी का लालच दिया, मराठों ने उस पर थूक दिया. वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं, वो झुकते नहीं, कंबक मराठे बिकते भी नहीं. शिवा खाक है, नादान है, नामाकुल है शिवा, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ है और चांद की तरह चमकदार है. हम बहुत ही खुश नसीब है शहजादे, हम बहुत ही खुश नसीब है शहजादे. हमें दुश्मन मिला वो भी शिवा जैसा मिला, हमें दुश्मन मिला वो भी शिवा जैसे मिला. विद्यार्थी मित्रांनो, औरंगजेबच्या तोंडातून छत्रपती शिवरायांच्या बद्दल ऐकलेले हे गौरवोद्गार जेव्हा आपण ऐकतो, आज 21व्या शतकामध्ये सुद्धा आपल्याला अभिमानाने आपला ऊर भरून येतो. असे शिवचरित्र, शिवरायांचे कार्य सगळ्यांसमोर पोहोचण्याचे काम आपण करूया. धन्यवाद.